नमस्कार, अर्चना डेली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मिक्स वेज रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसको वेज कोल्हापुरी भी कह सकते हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ले लेंगे और 3 टमाटर मोटे मोटे काट कर इसमें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसमें 3 लाल मिर्च तोड़कर डाल दें और थोड़ा सा खसखस पानी में भिगोकर इसमें डाल दें। अब मैंने 8 से 9 काजू के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और उसको भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल देंगे। इस स्टेज पे चीनी डालने से ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। अब इसको ठंडा होने के बाद बारीक पेस्ट तैयार करके रख लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है और उसमें 200 ग्राम क्यूब्स में कटे हुए पनीर डालेंगे और इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है। और इसको निकाल लेंगे। अब ये फ्राई हो चुका है। अब मैंने कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल लिए हैं और उसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और 1 कप फूल गोभी कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप गाजर ऐसे कटे हुए डाल देंगे और थोड़ा सा बीन्स भी काट कर हम डाल देंगे और थोड़ी सी मटर भी डाल देंगे और फिर इसको चला लेंगे। गाजर और बीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले आप और इसको फ्राई करना है। इसको लगभग 2 मिनट तक फ्राई करें। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर से इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसको ढक के थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे और फिर से एक बार इसको देखते हैं। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये पक चुका है और सॉफ्ट होने लगा है। तो फिर से एक बार हम इसको ढक देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा लगभग 1 शिमला मिर्च काट के डाल दिया है इसमें और फिर से इसको एक बार मिला लेंगे और ढक के मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। अब मैं कढ़ाई ली हूँ और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है और जो हमने ग्रेवी तैयार किया हुआ है मिक्सी में पीस लिया है, बारीक पेस्ट आप देख रहे हैं तैयार हो चुका है, उसको डाल देंगे तेल गर्म होने के बाद। और उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं, कलर बहुत अच्छा आता है उससे। और फिर इसको एक बार मिला लेंगे और इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिलाते रहेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम मसल के डाल देंगे इसमें और चलाते रहेंगे लगातार। अब इसमें 1 चम्मच दही डालेंगे। आपके पास फ्रेश दही है तो वही डालें, अगर दही नहीं है फ्रेश तो नहीं डालें। और अच्छे से इसको चलाते रहें। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है और इसको मिला लेंगे। मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है, ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम सब्जियों को चेक करके देखते हैं कि ये पकी है कि नहीं। मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था और सब्जियां पक चुकी हैं बिल्कुल। अब देख रहे हैं सब्जी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको ग्रेवी के अंदर डाल देंगे सब्जियों को और इसमें पनीर भी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी और एक बार इसको मिला लेंगे। आप देख रहे हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, इसको लगातार मिलाते रहें और फिर से एक बार ढककर बस 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दें जिससे कि सब्जियां अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाएं
और इसमें थोड़ा सा क्रीम डालें तो तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम एक चम्मच क्रीम डालेंगे। आपके पास घर का क्रीम हो तो घर का भी डाल सकते हैं, बाहर का फ्रेश क्रीम है तो वो भी डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। ये तैयार हो चुका है। आपके पास धनिया पत्ती है तो वो भी डाल सकते हैं और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आपको लगेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खा रहे हैं आप। मिक्स वेज बहुत ही स्वादिष्ट होता है और तीखा तीखा बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।